उज्जैन संभाग आयुक्त संदीप यादव ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभाग की सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। संभाग आयुक्त ने संभाग के सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे दोपहिया वाहन चालकों को संभावित सड़क दुर्घटना से बचाने के लिए हेलमेट लगाने की अनिवार्यता के संबंध में एक कार्य योजना बनाएं। सभी जिले दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित करें, हेलमेट की उपयोगिता की समझाइश दें तथा इस संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें। संभाग आयुक्त ने सभी टोल नाकों पर एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड हेतु एक पृथक लाइन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। यादव ने कहा कि सभी टोल नाकों पर लगभग 4 लाइन होती हैं, लेकिन टोल नाके वाले 2 लाइन में पत्थर एवं ड्रम रखकर इसे बंद कर देते हैं। इन 2 लाइनों में से एक लाइन खुलवाई जाए जिससे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, VIP वाहन बिना समय गंवाए जा सके। संभाग आयुक्त ने बैठक में पिछली बैठक के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा की। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक संतोष कुमार सिंह, DIG अनिल कुशवाहा, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा, MPRDC के अधिकारी गण एवं जिला परिवहन अधिकारी संतोष कुमार मालवी उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान रतलाम कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी, आगर कलेक्टर कैलाश वानखेड़े, मंदसौर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव, शाजापुर कलेक्टर दिनेश जैन, देवास कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल मौजूद रहे। सुधार सब कुछ शुरू, वहाँ पर कोई 2-4 ईंट लगना शुरू हुई सर, तो 5 महीने से क्या होता है सर कि आसपास कुछ काम नहीं कर पा रहे, तो ये सर वो आदमी सामना करना पड़ा सर।